तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कुशम सारो बाइक पे जा सकते हैं बाद में। हाँ इंशाल्लाह जब रोड खुलेगा तो आप आसानी से आ सकते हो, क्योंकि इससे भी पहले बहुत सारे बाइकर्स चले गए थे ऊपर की ओर लद्दाख की तरफ, और आप भी आ सकते हो। इस तरह से और एक कमेंट ओल्ड मेम्बर्स की तरफ से, प्लीज़ रिमूव स्नोबी और रेडी टू विजिट जोजिला ऑन 14th में वन ऑफ ड्रीम। तो इंशाल्लाह दोस्तों 14 तारीख तक तो रास्ता खुलने के चांसेस है, सिर्फ बर्फ़ हटाने का नहीं बल्कि स्नोई अवलांचेस आए हुए उनको हटाने में समय लगता है, इस वजह से आज दिन भी लगने का उनको एडवाइजरी में लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह देखिएगा आज कितना काम किया जाएगा बीआरओ टीम की तरफ से, और रात को आपको एडवाइजरी मिलेगा। इस तरह से और कमेंट यहाँ पे, जेके यूट्यूबर भाई कब खुलेगा रोड, और एक कमेंट इस तरह से, प्लीज़ कब खुलेगा नाइस अपडेट, थैंक यू, थैंक्स ब्रो, गुड जॉब ब्रो, थैंक यू दोस्त। इस तरह से बहुत लोगों का यही कमेंट है कि कब खुलेगा रास्ता। तो मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, एडवाइजरी में 10 और 11 तारीख को मूवमेंट बंद रखा था इसलिए कि ताकि रोड पर काम किया जाए स्नो अवलांच हटाने के। तो इंशाल्लाह आज भी समय तो लग ही जाएगा, अगर इंशाल्लाह आज दिन में अच्छा खासा काम हुआ तो कल चांसेस रहेगा छोड़ने के, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह शाम की एडवाइजरी के हिसाब से अपडेट दूँगा। फ़िलहाल आप भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है दोस्तों, क्योंकि आपको जोजिला टनल और जोजिला रोड के हवाले से अपडेट्स में देते रहता हूँ इस चैनल पर। सो फिलहाल इतना ही, बाकी इंशाल्लाह आज दिन में भी काम चलते रहेगा कंटिन्यू रात के तकरीबन 4-5 बजे शाम तक। सो उस हिसाब से आपको पता चलेगा अपडेट का क्या सीन रहेगा जोजिला पर। तो बहुत सारे लोग यानी सोनमर्ग में फंसे हुए अब यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये करीब 5-6 दिनों से रुके हुए, और मैं कहना चाहूँगा फ़िलहाल जो श्रीनगर या जम्मू में हो तो वहीं रुक के रहे ताकि आपको भी इस तरह के दिक्कत का सामना करना ना पड़े। सो मैं यही कहना चाहूँगा, जिस समय यहाँ से गाड़ी में छोड़ के मैं आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा तो आप इजीली आ सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत एंटीसिपेशन का भी इस्तेमाल किया जाए ताकि आपको फिर रोजाना में मुश्किलों का सामना करना ना पड़े। सो इतना ही दोस्तों, बाकी उम्मीद है आपको छोटा सा अपडेट पसंद आया होगा। तो वीडियो को एंड करते जी यहीं पर, मिलेगी फिर से नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।